अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्किल्स एंड सर्विसेज। आज की रेसिपी स्पेशली स्वीट लवर्स के लिए है। आज मैं आपके लिए इंस्टेंट बनने वाले ब्रेड गुलाब जामुन की रेसिपी लेकर आई हूँ। हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले पैन में 1.5 कप पानी डालेंगे। अब इसमें 6 अदद इलायची डालेंगे और 1 कप चीनी शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स करेंगे जब तक चीनी डिसॉल्व हो जाए। अब हम इसमें चंद कतरे केवड़ा एसेंस के डालेंगे। इससे ख़ास जो मिठाइयों की खुशबू आती है, जब आप बाहर से भी मिठाई लेते हैं तो इससे ये खुशबू इसमें आएगी आपके शीरे में। इसको बहुत ज़्यादा हमने थिक नहीं करना, इसका शीरा पतला ही रहेगा क्योंकि गुलाब जामुन इसको जज्ब करेंगे अपने अंदर। बस हमारा शीरा अब तैयार हो चुका है। अब हम फ्लेम ऑफ़ करके इसको ठंडा कर लेंगे। यहाँ मैंने 5 अदद ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं और इसके किनारे काट लिए हैं। अब हम ब्रेड के स्लाइसेस को तोड़ लेंगे। आप चाहें तो इसको चॉपर में चॉप भी कर सकते हैं, लेकिन ये आसानी से हाथ से टूट जाते हैं। इनको हम थोड़ा बारीक कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध शामिल करेंगे और इसको मिक्स करेंगे दूध के साथ। 4 से 5 टेबलस्पून दूध शामिल होगा इसमें कि ये एक बैटर सा बन जाए जिसके हमने गुलाब जामुन तैयार करने हैं। बैटर हमारा तैयार है। हम हाथों को ऑयल से ग्रीस करेंगे और छोटे छोटे बॉल्स इसके बना लेंगे, जिस साइज़ के भी आपने गुलाब जामुन रखे हैं। इस तरीके से सारे बॉल्स बना के रख लेंगे। डीप फ्राई करने के लिए ऑयल पैन में लिया है, लेकिन आपने ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं करना। ज़्यादा गर्म ऑयल में डालेंगे तो आपके गुलाब जामुन ऊपर से ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे, इसलिए हल्के गर्म तेल में आपने गुलाब जामुन डालने हैं और स्लो ही आंच के ऊपर आपने इसको फ्राई करना है जब तक ये सारे इवनली ब्राउन ना हो जाए। बहुत हल्के हाथ से आपने चम्मच से भी इसको हिलाना है, वरना ये टूट भी सकते हैं। बस इसकी साइड चेंज करते जाएं और इसको ब्राउन करते जाएं। अब हमारे सारे गुलाब जामुन पे एक जैसा कलर आ गया है, जैसा ब्राउन कलर हमें चाहिए था। बस अब हम इसको निकाल लेंगे। शीरा हमारा ठंडा हो चुका था। अब हम इसमें गुलाब जामुन डाल देंगे और इसको 15 से 20 मिनट आप शीरे में रहने दें और मज़ेदार गुलाब जामुन बिल्कुल तैयार है। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई करके मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी मज़ेदार रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।